जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना और सही देखा। दोस्तों बता दें कि नए साल के नए दिन से यानी कि 1 जनवरी 2025 से हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पर रोक लगाई जा रही है, जिसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, वरना दोस्तों नए साल के नए दिन से आपकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी अगर आप इसके बारे में नहीं जानेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर आखिरकार 1 जनवरी 2025 से यानी कि नए साल के नए दिन के पहले दिन से हमारे देश में कौन कौन से बड़े बदलाव और सख्त आदेश आए हैं, जिसके बारे में आपको जानना ही पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर का महीना लगातार खत्म होते जा रहा है और ऐसे में नए साल आने को है। और इसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी नए नियमों के बारे में हम आपको पूरी जानकारी बताते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी ऐसे ही कोई भी खबर की जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिल जाए करेगी। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि 1 जनवरी 2025 से अगर आप भी रसोई गैस सिलेंडर को गैस एजेंसी पर रिफिल करवाते हैं या भरवाते हैं तो अब से आप जान लीजिए कि 1 जनवरी 2025 से उन सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में गैस की सब्सिडी का पैसा नहीं जाएगा जिनकी साल में 3 लाख रुपए से इनकम ज्यादा है। यानी कि ऐसे लोगों का सब्सिडी बंद कर दिया जाएगा जिनके घर में साल में 3 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि पैन कार्ड को लेकर के सबसे सख्त आदेश आ रहा है। दोस्तों बता दें कि अगर आप अपने पैन और आधार को आपस में लिंक नहीं करवाए हैं तो इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर 2024 तक है। अगर दोस्तों आप इसके बीच में अपने पैन और आधार को आपस में लिंक करवा लेते हैं तो ठीक है, वरना 1 जनवरी 2025 से आपका पैन कार्ड तो बेकार होगा ही, साथ ही साथ आपको 15,000 रुपए का पेनाल्टी यानी कि जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगला जो सख्त आदेश आ रहा है, दोस्तों बता दें कि अब से 1 जनवरी 2025 से अगर आपका एक बैंक खाता है तो आप किसी दूसरे बैंक खाते में अपने अकाउंट को नहीं ओपन कर पाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो पहला वाला अकाउंट है वो भी बंद कर दिया जाएगा और जो उसमें आपका पैसा रखा है वो भी आपका पैसा फंस सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बता दें कि अगला जो सख्त आदेश आ रहा है कि अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बता दें कि अब से केवल आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं रद्द किया जाएगा बल्कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल करा दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको मोटी भरकम जुर्माना भी भरना पड़ेगा अगर आप ट्रैफिक के किसी भी नियम को तोड़ते हैं 1 जनवरी 2025 से। तो आप इन बातों को ध्यान दीजिए क्योंकि ये हमारे केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही ज्यादा सख्त आदेश आ रहे हैं 1 जनवरी 2025 से, जिसके बारे में आपको जानना ही था, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी दे चुका हूँ। इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर कर दीजिए कि यह जानकारी हर एक भारतीय नागरिक के पास पहुंच सके और वो भी आज के इस बड़ी लेटेस्ट बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट और ताजा खबर की वीडियो से अपडेट हो सके। तो चलिए इसी खबर के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।